दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिंकू सिंह की तूफानी पारी को देख शाहरुख खान के उड़े होश, रिंकू की तारीफ कर ऐसा दिया बयान जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह ने अपनी पहली ही पारी के दौरान सभी को प्रभावित कर दिया है। रिंकू सिंह की तूफानी पारी को देखकर हर कोई दंग रह गया। इस दौरान शाहरुख खान ने रिंकू सिंह की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनकर आप भी रिंकू सिंह को सलाम ठोकेंगे। तो आखिर रिंकू सिंह की तूफानी पारी को देख शाहरुख खान ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतरीन फिनिशर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मुकाबले में भारत को जीत मिली, तो वहीं दूसरे मुकाबला जब खेला गया तो इस मुकाबले के अंदर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 186 रन का लक्ष्य विरोधी टीम को दे दिया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 58 रन की पारी खेली, तो अंत में रिंकू सिंह ने आकर मुकाबले को समाप्त करने का कार्य किया, जहां पर रिंकू सिंह ने अपनी पहली पारी के दौरान 21 गेंद पर 38 रन की विस्फोटक पारी खेली। ऐसे में रिंकू सिंह की तूफानी पारी देख शाहरुख खान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें शाहरुख खान ने बयान देते हुए कहा कि भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी पारी से सभी को प्रभावित कर दिया। मैं उनकी पारी को लाइव देखने के लिए तो नहीं आ पाया, लेकिन पूरे मुकाबले को मैंने टीवी पर देखा, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि रिंकू सिंह इस मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतरीन पारी खेलने वाले हैं और उन्होंने इस उम्मीद पर खड़े उतरने का कार्य भी किया है। मुझे ऐसा लगता है रिंकू सिंह ने जिस प्रकार से बेहतरीन बल्लेबाजी की उसे देखकर शायद किसी और खिलाड़ी ने अपने पहले मुकाबले में अंदाजा गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिंकू सिंह भारत के आने वाले समय में नंबर वन बल्लेबाज बनने वाले हैं, क्योंकि एक समय पर भारतीय टीम काफी ज्यादा संघर्ष कर रही थी, लेकिन एक बार फिर से रिंकू सिंह ने आकर IPL में कोलकाता की तरह ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय टीम को भी संभाला और काफी ज्यादा मजबूती दिला दी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में रिंकू सिंह ने जिस प्रकार से भारतीय टीम को आगे ले जाने का कार्य किया है उसे देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। मुझे नहीं लगता कि रिंकू सिंह से बेहतर युवा बल्लेबाज इस समय हमारी टीम के पास मौजूद है। रिंकू सिंह ने IPL में ही सभी को अपना दीवाना बना लिया था और सब चाहते थे कि वो जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आकर सभी को अपना दीवाना बनाए और ऐसा उन्होंने कर दिया। रिंकू सिंह की इस तूफानी पारी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि रिंकू सिंह भारतीय टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी वाला कार्य कर सकते हैं। रिंकू सिंह ने अपने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के चलते विरोधी टीम को काफी ज्यादा परेशान किया है, जिसमें आयरलैंड की टीम भी जुड़ चुकी है। अगर भारतीय टीम की तरफ से रिंकू सिंह बेहतर बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ 155 रन का आंकड़ा भी पार कर पाना बेहद मुश्किल था। रिंकू सिंह ने पूरे भारत को प्रभावित किया। तो दोस्तों रिंकू सिंह की तूफानी पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।